अस्सलाम वालेकुम, मैं आज बनाने जा रही हूँ हल्दी चिकन। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हल्दी चिकन। हल्दी चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन, 3 बड़े साइज की प्याज को लेकर बारीक काट लिया है, 2 तेजपत्ता, 2 छोटी इलायची, 4 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून मेरा बना हुआ होममेड गरम मसाला, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्चा पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन 2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। उसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और 100 ग्राम दही को लेकर मिक्सर में मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा हम धनिया और 2 हरे मिर्चे का भी यूज़ करेंगे। पैन को मैंने गैस की फ्लेम पर रख दिया है और पैन मेरा गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले 2 तेजपत्ते जो लिए थे वो डाल दिए और 2 छोटी इलायची उसको भी मैंने ऐसे डाल दिया। उसके बाद हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे और इसको तलेंगे। प्याज गल चुकी है, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज का जैसे ही कलर चेंज हो जाए हमें उसमें मसाले ऐड करने हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर इसमें हम धनिया पाउडर, नमक, मिर्चा और हल्दी इस तरीके से डाल के मसाले को चलाते रहेंगे और 1 गिलास पानी हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। मसाले में पानी ऐड करने के बाद मीडियम आंच पर गैस को करके हम इसकी लिड बंद करके इसे 20 से 25 मिनट तक मसाला भुनने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि मसाला हुआ है कि नहीं। मसाला हो चुका है, ये देखिए तेल चारों तरफ कढ़ाई के किनारे आ चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको 2-4 बार इस तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम धीमी है। अब हम इस चिकन के अंदर दही ऐड करेंगे जिसका मैंने पेस्ट बना के रखा था। उसके बाद इसको 2-4 बार हम चला देंगे, फिर हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गैस की फ्लेम मीडियम करके गलने के लिए छोड़ देंगे जिससे हमारा चिकन दही के साथ अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं कि चिकन गला है कि नहीं। चिकन अभी गला नहीं है, इसीलिए हमको अपनी रेसिपी को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। अब हम इसको 10 मिनट तक और पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम दोबारा चेक करने जा रहे हैं कि चिकन गला है कि नहीं, देखते हैं। चिकन गल चुका है, इसलिए हम इसको गैस की आंच तेज करके इसको हम कुछ देर खुला पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। चिकन का एक्स्ट्रा पानी गल चुका है, ये आप इस कढ़ाई में देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी डालूंगी। कसूरी मेथी का फ्लेवर हल्दी चिकन में बहुत अच्छा आता है और उसके बाद होममेड गरम मसाले को भी हम डाल देंगे जो मेरा खुद का बनाया हुआ है और इस तरीके से इसको कुछ देर हम चलाते रहेंगे। कसूरी मेथी के साथ चिकन पक रहा है, इसमें जो 2 मिर्च मैंने ली थी उसको इस तरीके से काट के हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हरी धनिया को भी डाल के 2-4 चम्मच चलाएंगे। अब हम इसको धीमी आंच पर 4 से 5 सेकंड तक लिड बंद करके छोड़ देंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हल्दी चिकन अब रेडी हो चुका है, इसको हम सर्विंग बाउल में निकालने जा रहे हैं। अगर आपको मेरे हल्दी चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।